हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक य वी हैव कंप्लीटेड थ्री क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन फोर्टीन अ चाइल्ड्स थॉट ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर ओके सो सी क्वेश्चन नंबर फोर हाउ इज द स्पीकर्स रूम डिफरेंट देन हाउ इट वॉज वेन ही वॉज ड्रीमिंग आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्पीकर्स रूम जो चाइल्ड था ठीक है वह स्पीकर है तो उसका रूम किस प्रकार से डिफरेंट था उस समय से जब वो सपना देख रहा था ठीक है तो देर वॉज डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइम्स ठीक है जब वो सपना देख रहा था और जब वो जागा है हाउ इज द स्पीकर रूम डिफरेंट डन हाउ इट वॉज तब था जब वो जगह है तब और इसके पास इसके पहले तब कैसा था जब वो सपना देख रहा था वेन ही वॉज ड्रीमिंग तो दोनों समय में किस प्रकार से उसका रूम जो है उसमें अंतर था क्या बदलाव था क्या अंतर था अब देख लीजिए आंसर द ऑब्जेक्ट्स ही हैड इमेज वर पार्ट ऑफ फेरीलैंड जो भी वस्तुएं वो देख रहा था कल्पना कर रहा था सोच रहा था वो किसके भाग थे किसका पार्ट थे फेयरीलैंड ठीक है जादवी नगरी से संबंधित थे फेयरीलैंड थे मैजिक लैंड जादू की नगरी उससे रिलेटेड थे वो उसके पार्ट थे जो वो अपनी कल्पना में अपने सपने में वो देख रहा था अब वो क्या हो गए आर नाउनरी अब वो कैसे हो गए सामान्य वस्तुएं हो चुकी थी जो कि लैंड से जो भी संबंधित थी तो, कैसे फॉर इंस्टेंस उदाहरण के रूप में द कास्टल हैज बिकम अ चेयर जहां पर उसने महल देखा था ठीक है वहां उसकी जगह पर उसको चेयर रखी हुई दिखाई दी ठीक है एंड द हॉर्समैन बिकम अ पेयर ऑफ बूट्स और उसने जो हॉर्समैन जो स्ट्रीम के चारों ओर घोड़े दौड़ा रहे थे तो उस जगह पर उसने क्या देखा पेयर ऑफ बूट्स ठीक है जोड़ों जूतों की जोड़ी देखी आन द ब्लू स्ट्रीम्स ही इमेजिन्ड आर नाउ अब बाथ And can. और जो उसने ब्लू नीले रंग का जो झरना देखा बह रहा था उस मैजिक लैंड के चारों उस चारो उसके चारों ओर जो नीले रंग का झरना बह रहा था जो उसने अपनी कल्पना उसमें देखा था वो क्या हो चुका था नाउ आर नाव अब बाथ एन वॉटरिंग कैन तो बाथ नहाने वाला और वाटरिंग कैन वाटरिंग कैन क्या होता है जो फौहारे वाली जो एक बाल्टी होती है जिससे कि फूलों पे पानी दिया जाता है फौहारे वाली ठीक है तो वाटरिंग कैन जिससे हम फूलों को पानी देते हैं साथ ही साथ बाथ नहाने वाली बाल्टी तो ये चीज़ें उसकी जगह पर उसने देखी जहाँ पर उसने क्या देखा था स्ट्रेन को देखा था ठीक है कल्पना यहाँ पर इमेजिनेशन क्या होता है कल्पना शक्ति हमारी एंड लास्ट क्वेश्चन वट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट अब क्या लगता है कि ये जो कविता है वो तो किसके बारे में है ठीक है आप क्या सोचते हैं कि ये कविता किस चीज के बारे में है आई थिंक द पोएम इज अबाउट द इमेजिनेटिव पावर ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों की कल्पना शक्ति पर ये पोयम आधारित है ये कविता आधारित है कि बच्चे क्या सोच सकते हैं उनकी कल्पना में कहाँ तक जा सकती है वो उनकी कल्पना कल्पनाओं में वो क्या चीज़ों को देखते हैं तो उनकी जो कल्पनाशीलता है ठीक है उसकी जो शक्ति है उसके बारे में ये कविता है क्योंकि बच्चे बहुत कुछ आ, सोचते हैं और वही चीज़ें उनको अपने ड्रीम में अपने स्वप्न में दिखाई देता है जो चीज़ें वो सोचते हैं ठीक है जो उनके इमेजिनेशन होते हैं कल्पना जो उनकी होती है तो उस शक्ति के बारे में इस पोएम में बताया गया है सो स्टूडेंट्स टुडे यू राइट टू क्वेश्चन आंसर एंड लर्न इट ओके थैंक यू